नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों, हुंडई एक्सटर्न जब से लॉन्च हुई है तब से क्रिटिसिज्म का शिकार हो गई है। खासकर अगर हम बात करें इसके इंटीरियर को लेकर, तो काफी सारे लोग नाराज नजर आ रहे हैं इसके इंटीरियर को देखने के बाद। दोस्तों, गाड़ी की बुकिंग ताबड़तोड़ है, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें तो कैंसिलेशन भी तेजी से बढ़ रही है। जैसे जैसे इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव हो रही है और लोगों को समझ में आ रहा है, लोगों का रुझान जो है वो टाटा पंच की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि हुंडई एक्सटर अभी हाल फिलहाल के दिनों में काफी ज्यादा वायरल होते हुए नजर आई है। दोस्तों, ये फोटो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, इसमें रियर सस्पेंशन की अगर हम बात करें हुंडई एक्सटर की, तो लोगों का कहना है कि काफी कमजोर नजर आता है। अगर हेवी वेट लोग पीछे बैठ जाए तो गाड़ी दबते हुए नजर आती है और रोड पकड़ के नहीं चलती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये फोटो जो है वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है, क्योंकि काफी सारे यूजर्स हमारे जो है उन्होंने हमें फीडबैक दिया है कि रियर सस्पेंशन जो है वो हुंडई एक्सटर की उतनी ही काबिल तारीफ है जितनी आप टाटा पंच की लगा सकते हो। दोस्तों, हुंडई एक्सटर को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हम आपको बताते चले कि सेफ्टी के मामले में अभी भी हुंडई एक्सटर काफी पिछड़ते हुए नजर आती है। अगर आप गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी को चेक करो, जब अपने सामने में आप गाड़ी को देखते हो, तो आपको समझ में आता है कि गाड़ी की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा भी नजर नहीं आती है। 2 स्टार से ज्यादा ये गाड़ी अभी तक समझ में नहीं लोगों को आ रही है कि उससे ज्यादा ये रेटिंग हासिल कर पाएगी। दोस्तों, तो रियर सस्पेंशन को लेकर जो ऑब्स्टेकल थे, जो एक अनुमान लगाया गया था, वो गलत तरीके से साबित होते हुए नजर आ रही है। तो दोस्तों, हम आपको बताते चले कि हुंडई एक्सटर एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। ऐसा नहीं है कि आप इसको रिजेक्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।